जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, शारीरिक शोषण, महिला असुरक्षा एवं महिलाओं के साथ हो रहे अमानविक व्यवहार को रोके जाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम श्योपुर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन के माध्यम से महिला कांग्रेस द्वारा बताया गया कि मामा शिवराज सिंह चौहान के राज्य में विगत 18 वर्षों से महिलाएं अत्याचार, शारीरिक हिंसा, बलात्कार एवं शोषण से पीड़ित हैं। महिलाएं जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और आवेदन लेकर जांच में डाल दिया जाता है और जांच के नाम पर आवेदन पेंडिंग रखकर बाद में आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। महिला परामर्श केंद्र, महिला हेल्थ डेस्क एवं परिवार परामर्श केंद्रों में महिलाओं को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। महिलाओं के खिलाफ जुर्म, ज्यादती और अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। शासन व प्रशासन प्रभावी अंकुश महिला अत्याचारों पर नहीं लगा पा रहा है, जहां महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शिवहरे ने बताया कि शिवपुरी जिले में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। यहां पर पुलिस द्वारा महिला अत्याचारों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने एवं महिला अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए महिला जिला कांग्रेस की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं चेतावनी दी गई है कि ज्ञापन में वर्णित तथ्यों का निराकरण न होने पर जिला कांग्रेस महिला कमेटी को आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। वहीं वृद्ध, विधवा, परित्यागता महिलाओं की पेंशन बढ़ाए जाने के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शेरपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस की ओर से यहाँ कलेक्ट्रेट में आके आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रखी हैं आपने ज्ञापन के माध्यम से? हमारी महिला कांग्रेस की तरफ से मांग है, बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियों से, महिलाओं से रेप किया जा रहा है, ये शोषण किया जा रहा है उनका, और शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं उनके लिए एक मांग लेके आई हूँ, माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है हमने कि इनका शोषण ना हो, इनकी जाँचें, यदि रिपोर्ट लिखवाने भी जाती है कोई महिला तो उसका मजाक भी बनाया जाता है और उनके जांच में डाल दिए जाते हैं आवेदन कचरे की पेटी में डाल के, और क्या लेन देन होके और क्या मामला होते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, दंड मिले और तत्काल उन पर शीघ्र FIR होके और उन पर कायमी हो। तो ऐसे हमारे प्रदेश में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के और बच्चियों के साथ जो शोषण हो रहा है तो उनको रोकने के लिए और उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना शासन ना प्रशासन, तो वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? इसलिए हमने उनकी जो दर्द है उनका, महिलाओं का और बच्चियों का, उनका खिलाफ एक ज्ञापन दिया है लेके कि उनके साथ न्याय मिले और उनके साथ उनके परिवार को इंसाफ मिले।